बीजेपी विजेंद्र गुप्ता है, देखो इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। देखो मार्शल का काम क्या था, बेसिकली लेडीज़ के लिए रखा गया था, तो लेडीज़ की सुरक्षा कर सके वो तो लेडीज़ों की सुरक्षा तो कोई हो नहीं, उसके बावजूद भी लेडीज़ों के पर्स से मोबाइल गायब हो रहे थे। इन्होंने मार्शल को जब रखा है ना, इन्होंने सिर्फ अपने वर्करों को खुश करने के लिए रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, में आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर शनिवार के दिन ये देखा गया कि जो मार्शल्स की बहाली हुई थी, जो दिल्ली के बस में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, कहीं ना कहीं पिछले साल जिस तरीके से उन्हें निलंबित करने का काम किया था, अब दोनों राजनीतिक दल फुटबॉल मैच खेल रहे थे कि LG साहब कह रहे थे केजरीवाल जी ने हटाया, केजरीवाल जी कह रहे थे LG साहब ने हटाया। अब इस बीच मुख्यमंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के नेता, बीजेपी के विधायक सभी मिलकर LG साहब के दफ्तर गए थे, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई कि जब बीजेपी विधायक बाहर निकल रहे थे तो सौरभ भारद्वाज किस तरीके से बीजेपी विधायकों के पैर में गिर गए, पैर पकड़ लिए। आतिशी खुद वीरेंद्र जी के गाड़ी में जाकर बैठ गई। अब लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि किसने बहाली की, सर किस तरीके से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी नेताओं के पैरों में गिर जा रहे हैं। कहा जा रहा है बहाली कर दी है, अब बीजेपी नेता कह रहे हैं केजरीवाल जी ने किया था, LG साहब ने नहीं किया था, तो किस तरीके से देख रही है दिल्ली की जनता, किस पर विश्वास कर रहे हैं? देखो बहाली तो अल्टीमेटली जो है वो LG साहब ने ही करी है, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, लेकिन उसमें हमारा जो बीजेपी वगैरह जो है, अब बीजेपी विजेंद्र गुप्ता है, देखो इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, वो विधायकों के पैर पड़ गए, बीजेपी सौरभ भारद्वाज बीजेपी विधायकों के, आतिशी विजेंद्र गुप्ता की कार में बैठ गई, तो इन्होंने निकालने का, देखो बात सुनो, अगर निकाला भी है, किसी ने भी निकाला है, चाहे LG साहब ने पहले हटाया था, लेकिन इन्होंने रखा कैसे, देखो रखने का एक प्रोसीजर होता है किसी मार्शल को, अगर रखने का इन्होंने क्या किया, जो जितने भी आम आदमी पार्टी के वर्कर थे ना, जो काम कर रहे थे, उनके किसी रिश्तेदारों को चुन चुन के उन्होंने ना मार्शल मतलब गार्ड रख दिया और बसों में बिठा दिया, ठीक है, जबकि ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता। अगर देखो किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू या किसी होता है कोई एक प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू फर्स्ट कम फर्स्ट, उनका इंटरव्यू लिया या कुछ, अच्छा उनका फिर कोई जो मार्शल रखे थे वो मार्शल सिर्फ कुछ काम नहीं करते थे, वो सिर्फ जो है ना जो DTC के जो ड्राइवर हैं, जो कंडक्टर हैं, वो उन्हीं के लिए काम करते थे। कोई बस स्टॉप आ गया तो उसने बोला भाई जा भाई यार बीड़ी का बंडल ले आ सामने से, वो बीड़ी का बंडल ले आता था, और यार वो सामने ठेका है एक बउआ ले आया शाम को भी, वो ऐसे ऐसे काम करते थे। और जो देखो मार्शल का काम क्या था, बेसिकली लेडीज़ के लिए रखा गया था, तो लेडीज़ की सुरक्षा कर सके वो तो लेडीज़ों की सुरक्षा तो कोई हो नहीं, उसके बावजूद भी लेडीज़ों के पर्स से मोबाइल गायब हो रहे थे, उनके पर्स से पैसे गायब हो रहे थे, तो सुरक्षा क्या करी है इन्होंने? ये तो क्या करते थे कि जो पैसेंजर लाइन पे लगे होते थे, बसों में भी जो चढ़ते थे, तो कई बार बस वहाँ लिमिट पूरी हो जाती थी, तो वो पैसेंजर को आगे गाड़ी में बैठा होता था, वो मार्शल कहता ओए रुक जा भाई, रुक जा भाई, चल चल, मतलब इतनी बदतमीजी से बोलते थे। तो इन्होंने मार्शल को जब रखा है ना, इन्होंने सिर्फ अपने वर्करों को खुश करने के लिए रखा है, इसी वजह से उनको निकाला गया था। अब ठीक है, उनको बहाली करी है उन्होंने, तो बहाली तो क्योंकि उनकी आदत पड़ गई थी, ठीक है भाई, एक साल से वो खाली भी बैठे थे, तो अब उन्होंने बहाली करी है, तो ये तो अब नेचुरली बात है कि क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप एक और घोटाला उजागर कर रहे हैं एक तरीके से, जब आप बता रहे हैं कि अपने ही कार्यकर्ताओं को, अपने जान पहचान वाले लोगों को मार्शल बना के रख दिया, तो कहीं ना कहीं ये तो धांधली हो गई। अब सरकार ऐसे नौकरियां तो बांट नहीं सकती किसी भी फेवर कर दे। हाँ बिल्कुल, ऐसे बांटनी भी नहीं चाहिए। तो एक प्रोसीजर होता है हर चीज़ का, उन्होंने बेसिकली महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ, उसके बावजूद भी चोरियां हो रही हैं, मोबाइल निकल रहे हैं, और ये तो है नहीं कि जो उन्होंने रखे हैं, जो दूसरे पैसेंजर हैं उनके भी पैसे निकल रहे हैं, मतलब ये सिर्फ है ना बेसिकली ये सिर्फ ड्राइवर जो थे और कंडक्टर थे बसेस के, उन्हीं की सर्विस के लिए, उन्हीं की सेवा कर रहे थे, और ये इन्होंने अपने वर्करों को खुश करने के लिए, उनके रिश्तेदारों को, अच्छा उनकी कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं देखी, चाहे वो पढ़ा हुआ है, चाहे 8वीं पढ़ा हुआ है, चाहे 7वीं पढ़ा हुआ है, जो आया उसको रख दिया उन्होंने। सिर्फ यही है कि ये सिर्फ एक बहुत बड़ा रैकेट है, और उसके बाद जो इनको रखा है तो उनसे भी पैसे लिए गए, उनसे पैसे ले लेके उनसे, बल्कि मार्शल खुद कहते हैं हमसे जितने भी मार्शल रखे थे सबसे पैसे लिए गए हैं, और पैसे जो हैं उनको पहुँचे हैं वहाँ पर, केजरीवाल के जो बंदे जो विधायक हैं ना उनको पैसे पहुँचे हैं, हर विधायक ने अपने बंदों को, अपने एरिए के लोगों को रखवाया, और हर विधायक ने पैसे खाए, किसी से 80,000, किसी से 50,000, किसी, और फिर उनको निकाल दिया, तो वो बेचारे वो तो वहीं के वहीं आ गए ना, तो ये थोड़ा सा।
तो जिस तरीके से आपने देखा दिल्ली में जो मार्शल्स की बहाली की गई उस पर जनता की राय, एलजी साहब और कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो मुख्यालय मुख्यमंत्री जो हैं उनके बीच में किस तरीके से ये देखा गया कि पैर पकड़ने तक की नौबत आ गई, अब आप क्या विचार रखते हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।